लगाऊं पर्दा, मुझे मुझे भगवान ने 4 इंच ज्यादा लंबा क्यों नहीं किया? तरीका बताऊं, ये वाला शिफ्ट कर लो, ये टे वाला उधर शिफ्ट कर लो। अरे बेचारा टेबल बहुत काम कराता है। दो ठुटे एक सूर है कि बेचारा टूट के उसकी बैंड बज गई है, जगह जगह घुमाते रहते हैं। दोनों स्टूल का काम करते हैं। इस पे प्रेस होता था तो मैं ले आके यहाँ रख दी। कभी इधर नाश्ता है, कभी उधर नाश्ता है। एक चढ़ो, मैंने सोचा खून फाद के कुछ कर लूंगी, लेकिन बेइज्जती मत करो। एक तो सब उखड़ रहे हैं, जैसे भी लगाए ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी। ठीक है, हाँ। सफाई होने के बाद ये हाल है। अब कहाँ पे बच्चा है? एक तो ना ये पर्दा जो है, इधर वाला पर्दा कोई काम का नहीं होता, सिर्फ खिड़की के ऊपर समझ आता है। यहाँ तो क्या काम होता है, दरवाजा बंद है तो बस वही ऊपर का, ऊपर जो है ना कोई ब्लाइंड वो शीट लगा देनी चाहिए बस, ट्रांसपेरेंट वाला। और सब समझो कि पर्दा इतना बड़ा बड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़े। चलो ये हो गया, ये कहाँ कितना बच गया है भाई? ये दोनों तो वहां गए मेन गेट के, ये दोनों वो दोनों, 4 है अभी तो। एक पापा के इस रूम का और एक मेन गेट का। मेन गेट के दोनों हैं और ये पापा के में तो यहाँ लगेगा मेन दरवाजे गेट पे। नहीं लगाऊंगी क्यों? क्यों क्या जरूरत है? हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। तो अभी किचन में आ गई हूँ और चल रही हूँ, आज बनाने वाली हूँ पालक की दाल और चावल। दोपहर में सैटरडे है, आराम से खाना, मैंने पूजा वगैरह हो गया, आज कार्तिक शुरू हो गया, कार्तिक नहाने वाले लोग बहुत लोग होंगे आप लोग भी, तो आज से कार्तिक स्नान शुरू हो गया, सुबह जल्दी नहाते हैं। आज के दिन से पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा हो गई है, तो आज से तुलसी जी का दीपक भी शाम से चलेगा, तो शाम को आज 4 बजे करीब, 4 बजे के बाद पट बंद हो जाएंगे मंदिर के, इसलिए 4 बजे से पहले ही तुलसी जी का दिया आज जल जाएगा, और आज से हर शाम मतलब 1 महीने तक तुलसी जी का दिया जलेगा। उसके बाद तुलसी जी की शादी होती है, फिर विदाई होती है, वो सब चीजें सारा प्रोसेस आप लोग देखेंगे। तो अभी फिलहाल किचन में आ गई हूँ और बनाने चल रही हूँ दाल और चावल। सुबह जल्दी ही नहा धो के पूजा वगैरह सारा कुछ कर लिया है। आज से तुलसी जी को अक्षत नहीं चढ़ता है, अक्षत यानी चावल का जो अक्षत बनाते हैं, आज से पोस्ता दाना वो चढ़ाते हैं। पोस्ता दाना कहते हैं कि तुलसी जी महीने भर पूरा व्रत रहती हैं, तो बहुत लोग हैं जो कि हमारे जैसे लोग भी बहुत लोग हैं जो व्रत रखते हैं, एक टाइम खाते हैं, कोई कोई पूरा महीना व्रत रखता है, तो अपनी अपनी इच्छा है। तो फिलहाल अभी मैं दोपहर का खाना जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ता नहीं बनाई थी, सीधा ही दाल और चावल, पालक वाली दाल और चावल बनाने चल रहे हैं। तो आ जाइए साथ में, पालक मैंने काट लिया है पहले, तो एक कुकर में दाल डालूंगी और दूसरे कुकर में इसमें चावल डालूंगी, तो दोनों कुकर निकाल लिया है। तो आज मैं अरहर की दाल में पालक डाल रही हूँ, तो दाल को पहले चढ़ा दूंगी, उसके बाद उसका फेंट निकाल लेंगे।
जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कबाड़ी खरीदते हैं, कबाड़ खरीदते हैं, वो लोग भी माइक लगा के चिल्लाते हैं आजकल। तो मैं इसको पहले धो लेती हूँ। अच्छे से पहले धो लिया है, अभी मैंने इसे चढ़ा दिया है, इसका फेन निकाल लूंगी, फिर हल्दी नमक पालक सब कुछ डालूंगी। तो अभी ऐसे चढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ मैं, अरे भाई निकल जा, सादा चावल बनाऊंगी, प्लेन चावल, बिल्कुल चावल ले लिया, धो देते हैं। देखिए जब फेन आ रहा है ना, तो ऐसे करके निकालेंगे। एकदम साफ हो गया। अब आप देखिए इतना सारा फेन निकला है, कितना मतलब
ये हम खा जाते हैं, इतना गंदा दिख रहा है ना, इसको हम खाते हैं, तो इसलिए निकालना जरूरी है। इससे यूरिक एसिड अपने शरीर में नहीं बढ़ता है, ये फायदा है। इसमें नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी, थोड़ा सा अमचूर। आप चाहो तो सब्जी मसाला जरा सा डाल सकते हो, लाल मिर्च आपकी इच्छा हो डालो, नहीं तो मत डालो। इसके बाद इसमें डाल देते हैं पालक, इसके अलावा ये टमाटर भी डाल देते हैं। आजकल एसिड से धोते हैं, अदरक आलू देख रहे हैं जो हल्का सा कालापन है ना, मैंने सुना है भाई एसिड से धोते हैं, तो जो अदरक कालापन दिखे, मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था इसलिए आ गया, नहीं तो मैं सब्जी सामने से लेती हूँ, तो अगर इस तरीके से कालापन हो गया है तो नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब एसिड से धुला हुआ है। अदरक भी डाल देते हैं, लहसुन और हरी मिर्च इसको छौंक लगाएंगे, तो अभी इसको पक जाने देते हैं। खट्टा बना रही हैं गार्लिक मशरूम आज, भाई ऑयल डाला गया है, क्या बटर डाला गया है, मशरूम डाल दिया गया है, फुल फ्लेम पे पकाया जा रहा है जिससे कि इसका पानी ज्यादा नहीं छोड़े। बनाने वाले बंदे गार्लिक मशरूम में गार्लिक भूल गया, चलो मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ, कैसा लगेगा राम जाने। अरे पकना है ना, कुल मिला के पक तो जाए भाई, लहसुन को तेल में पकना जरूरी होता है, पानी में नहीं। क्या है इटालियन सीजनिंग, अब चिली फ्लेक्स डाला जा रहा है, डाला जा रहा है इटालियन सीजनिंग, मिक्स्ड हर्ब्स, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, फिर से मिला दिया गया। आप देखिए ऑयल अलग हो गया, जब पानी इसका जैसे जल गया, सारी सीजनिंग मिला दी गई है, बस मशरूम तैयार है, गार्लिक मशरूम, बस गार्लिक जरा सा पक जाए, क्योंकि बाद में डाला गया है तो ऑयल में हल्का सा पक जाए, बस हो गया। अब इधर मैं अपना बना लेती हूँ, ये पालक वाली दाल हमारी तैयार है, इस पे छौंक लगा लेते हैं। घी डाल दिया, जीरा डाल दिया, प्याज और लहसुन और हरी मिर्च, ज्यादा बड़ा नहीं है, अंदर ले जाए,
जरा सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, और बहुत जरा सा गरम मसाला और चुटकी भर गरम मसाला। तो चावल जो हमारा बना, एकदम सादा चावल बनाया है पालक वाली दाल से खाने के लिए। चावल परोस लिया, हमारा बन गया पालक वाली दाल, चावल और सलाद, और मशरूम की अपने लिए गार्लिक मशरूम। तो गार्लिक मशरूम भी थोड़ा सा रख देते हैं दाल चावल के ऊपर। गार्लिक मशरूम के साथ में दाल चावल मस्त। तो शाम को फिर से मैंने मशरूम पनीर की सब्जी बनाई थी, तो मैंने कहा इसको भी आप लोग साथ शेयर करती हूँ। दो दो रेसिपी आज मशरूम की हो गई है। ये अदरक लहसुन मिर्च प्याज इसको मैंने पीस लिया है और तेल डाल दिया है, इसमें डाल दिया है जीरा और ये मसाले, इसको बढ़िया से भून लेंगे खूब अच्छे से। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं मसाले। मसाले में हरी लाल मिर्च, धनिया, सब्जी मसाला और गरम मसाला सारा कुछ डाल के टमाटर डाल दिया, इसके बाद हरी मिर्च ऊपर से डाल दिया। अच्छे से इसको खूब अच्छे से इसको भून लेते हैं। ये देखिए मसाला थोड़ा ज़्यादा ही बना है, इसलिए मैं अलग से ये मंगरेल डाला है यानी कलौंजी घी में। उसके बाद ऊपर से मैं मशरूम डाल दे रही हूँ। मशरूम के बाद में इसको मशरूम को खूब अच्छे से पहले खूब बढ़िया से भून लें इसका पानी, जिससे कि छोड़ दें। उसके बाद में ये देखिए पनीर डाल दिया, पनीर को भी खूब अच्छे से इसके साथ में थोड़ा थोड़ी देर एक मिनट तक भून लें। फिर जो मसाला बनाया है, क्योंकि मसाला मैंने ज़्यादा बनाया है उसमें तीन चार बार सब्जी बन जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मसाला लेके इसको ऊपर से डाल दिया और इसके बाद में थोड़ा सा भून लिया थोड़ी देर तक। उसके बाद पानी डाल दिया, देखिए उबाल आने लग गया मस्त। ये बहुत ही बढ़िया मशरूम और पनीर की सब्जी बनती है। इसमें आप चाहो तो शिमला मिर्च, तीनों तरह की शिमला मिर्च कोई भी डाल सकते हो, या एक या दो कोई भी शिमला मिर्च इसमें डाल सकते हो, अच्छा लगता है। और डाल दिया कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से टेस्ट गजब का हो जाता है। इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ फटाफट, अब बच्चों के शाम को और डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे नहा के पूजा करके इसके बाद में मैं डिनर बनाती हूँ शाम के संध्या आरती के बाद में। तो ये लीजिए रोटियाँ भी बन गई हैं, तो बच्चे अब खाना खा लें। रात में मैं रोटी या अन्न नहीं खाती हूँ अब तो, और नहीं खाऊंगी। ऐसे होता था कुछ मुंह में डाल भी लेते थे, लेकिन अब कार्तिक लग जाएगा तो कार्तिक में तो मैं पूरे महीने बिल्कुल भी अन्न नहीं खाऊंगी। तो बच्चों को गजब बहुत पसंद आ गया,